ये सब सीढ़ियां है, सब सीढ़ियां, जैसे छत के ऊपर चलते अपने तो हमारा छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है, लेकिन छत पर पहुंच जाए फिर सीढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे ही अपने रामायण का पाठ करना, गीता का पाठ करना, कीर्तन करना, ये लोग थोड़ा ऐसा विचार लाते हैं कि हमारा समय नहीं वो नहीं, और वास्तव में देखा जाए इसके समान कोई दूसरा काम भी नहीं है, स्पष्ट है। अरे संसार का काम तो होता रहेगा, चलता रहेगा। अब आप बताइए कितने बड़े बड़े कारखाने थे, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन जो परिवार चला गया उनके पीछे करोड़ बहुत तैयार हो, लेकिन भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम और कल्याण का अनुभव करने पड़ेगा भाई। स्वामी जी महाराज बोलते थे ना कि भाई भोजन की थाली आपको रख देंगे लेकिन ग्रास तो आप ही लेना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान का नाम बहुत है, करना आपको पड़ेगा। अब मैं आपको नहीं बता रहा, ये तो मुझे अवसर मिला, लेकिन मूल में सत्संग जो नहीं करते उनकी चर्चा होगी। ऐसे बहुत से लोग, अरे कई कई घर तो ऐसे है महाराज, घरों में रामायण नहीं मिलती, गीता नहीं मिलती। एक जगह मैं कथा करने गया, तो कथा करने गया तो महाराज शोभा यात्रा थी रामायण की, मिली नहीं रामायण। फिर स्वामी जी महाराज की सब संजीवनी थी वो लेकर के उसको जुलूस निकाला। ये बड़ी सोचने की बात है। अब कई लोग ऐसे मिलेंगे रामायण पाठ नहीं करते, गीता पाठ नहीं करते, भगवान नाम नहीं लेते। अरे भाई अपना असली चीज तो यही है, और करना क्या, कुछ नहीं करना। देखो अगर अनुष्ठान करेंगे, अगर अनुष्ठान करेंगे तो उसमें विधि भी चाहिए। अगर मान लो कोई आपने यज्ञ किया तो उसमें सब पवित्र चीज चाहिए, घी गाय का चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है, इसमें कुछ नहीं। अंधाधुन सरकार है, कुछ नहीं। और मेरी रामचरित मानस क्या बोलती, जहां रामायण में राम नाम की महिमा है, भाय कुभाय अनख आलस